गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। और अभी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से, फ्रेश भी हो गई हूँ। और देखा तो बारिश होने शुरू हो गई थी, पहले तो आंधी आई फिर बारिश शुरू हो गई है, और बारिश बहुत मीठी मीठी हो रही है अभी। और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जितना देखा था कि टेम्परेचर जो था आजकल का वो 42-43 चला था डिग्री सेल्सियस, और अभी जो है वो 37 हो गया है। तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी इससे, और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि फाइनली थोड़ा मौसम में चेंज आया है, क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता है तो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है गर्मी की वजह से। तो अब मुझे तो थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। तो अभी बारिश हो रही है और अच्छी सी हवा भी चल रही है, वीडियो में आपको पता चल ही रहा होगा आवाज़ आ रही होगी हवा की। तो ये हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है, तो आपको दिखाती हूँ बारिश। और फिर शायद से मैं जाऊँगी भाई के साथ, कल मेरे छोटे भाई का बर्थडे है तो हम उसके लिए शॉपिंग ले जाएंगे, तो वो भी चलेगा साथ में। और देखते हैं कि हम लोग उसके लिए क्या ले पाते हैं, और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा मॉल खुला है। और मैं अभी जाऊंगी बाहर मॉल, क्योंकि मुझे ख़रीदना था थोड़े से कपड़े अपने भाई के लिए, तो वो भी खरीदूंगी। और ये इतनी ज़्यादा उड़ रही है, इतनी हवा आ रही है, तो हम अभी उसके लिए शॉपिंग करने जाएंगे। कल ही उसका बर्थडे है, तो आप लोग अभी से रेडी हो जाना उसको बेस्ट विशेस देने के लिए। बारिश हो रही है अभी, अभी हम लोग जा रहे हैं पापा को लेने, फिर आगे चाय पियेंगे, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। तो पापा तो बस से आते हैं, तो बस वाला एक स्टॉप पे छोड़ता है पापा को, वहाँ से हम पहले उन्हें पिक करेंगे, फिर घर पे आएंगे, फिर चाय पियेंगे। तो चलते हैं पापा को लेने पहले। बारिश होते ही ना यहाँ पे जाम लगना शुरू हो जाता है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि कहीं हम ट्रैफिक में ना फंस जाएं। गाइस, अभी हम लोग NH-24 के हाईवे पे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिवाइडर पे ना इन्होंने ग्रिल्स लगा दिए हैं, जस्ट बिकॉज कि जो सारे लोग होते हैं जो रोड पे चलते हैं पैदल चलने वाले, वो लोग ना इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और फिर ये हाईवे है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत तेज चलती है गाड़ी, तो कभी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, लोगों को ध्यान तो रहता नहीं है, उन्हें तो क्रॉस करना ही होता है। तो गवर्नमेंट ने अभी अच्छा किया है कि यहाँ पे साइड में ग्रिल्स लगा दिए। सो गाइज, हम लोग पहुँच गए हैं स्टॉप पे, और अभी वेट करें पापा का, और मेरे साथ आया है मेरा भाई। गाइज, हमने पिक कर लिया पापा को, और कैसा लग रहा है आज मैंने ले आई हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गुड फीलिंग हो रही है। ऐसा है, जबरदस्ती बुलवा रही हूँ। कैसा रहा दिन आपका? कुल मिलाकर ठीक था, एवरेज था। एवरेज था, और मेरा बेकार गया, पूरे दिन काम करवाते रहते हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो गाइज, अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, अभी पापा को ड्रॉप किया है, और अब हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग के लिए हम सारे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर से, और साथ में सभी हैं। इधर ये भाई चला रहा है गाड़ी, पीछे भाई बैठा है और दी बैठी है। तो अभी हम लोग जाते हैं, और बारिश तो हो ही रही है, और उसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत मिल रहा है हम लोगों को। तो हम लोग जा रहे हैं गौर सिटी वाला मॉल पे ही, जहाँ पे हम लोग पहले गए थे भाई को लेके बेड वाले। और वो मॉल अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सारी शॉप्स अवेलेबल हैं, तो अच्छा ही है, इजी है, कन्वीनियंट है वहाँ पे जाना हमें। तो हम लोग पहुँच गए हैं, और देखते हैं पार्किंग का कैसा सीन है यहाँ पे, क्योंकि बाइक और स्कूटी तो हम लोगों ने पार्क की है, लेकिन कार कभी नहीं पार्क की है हमने यहाँ पे। We all know that it's a lie.
तो हम लोगों को बाहर पार्किंग नहीं मिली थी, इसलिए हम लोग बेसमेंट में पार्क कर रहे हैं अपनी कार। तो हम लोग पहुंच गए हैं और देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है या नहीं। और सारे स्टोर्स भी बंद होने वाले हैं और पता नहीं हम लोग क्यों ऐसे टाइम पे पहुंचते हैं जब स्टोर सारे ही बंद होते हैं। अभी तो हम लोगों ने ये दो शर्ट और एक कैपी सेलेक्ट की है और यहाँ पे जो ड्रेसेस थी वो भी काफ़ी सही थी, मतलब ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बेकार। एंड इन लोगों पर फ्लोरल प्रिंट की ड्रेसेस ज़्यादा थी। ड्रेसेस मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जो टॉप्स एंड बाकी सब चीज़ें थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत पुराने पैटर्न्स लगे थे। लिटरली बोलो अगर तो ये मुझे सरोजनी का लग रहा था बिल्कुल, कि मैं सरोजनी मार्केट में खड़ी हूँ। और थोड़ा क्लास होता है यार हर एक मॉल के टॉप्स का, हर एक चीज़ का, बट यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट पैटर्न नहीं था। ये बहुत नॉर्मल बेसिक पैटर्न होते हैं जो हर जगह मिल जाते हैं। पहली शॉपिंग डन, अब हम लोग चलते हैं मैक्स या फिर पैंटालून अगर वो खुली होंगी तो। ऑलमोस्ट सारे स्टोर्स बंद हो गए हैं, लेकिन हम फिर भी बिग बाज़ार एंड मैक्स होके आ गए थे जल्दी जल्दी। और वहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ नया स्टॉक नहीं था। और अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना एक गेम खेलते हैं। तो इस गेम के सिंपल रूल है, हमको 8 नंबर गेस करने हैं, कार्ड पे टिक करना है उसे, और सामने जो व्हील लगी है इसको हमें रोटेट करना है। और अगर उन 8 नंबर में से वो नंबर एक आ जाए तो हमें एक टेडी बियर मिलेगा। और जो दूसरा गेम था वो सामने जो दूसरी व्हील है इसे भी रोटेट करो, कोई भी जो निकलेगा उसमें से वो हमें मिलेगा। बीच का भी लो, पागल हो, 20s में भी लो, 20s में भी लो, 24 हो गया, 30s में भी लो, 34, 26 जिस हिसाब से है रेड एंड सोचो फटाफट 3 4 5 6 हां ये मैंने स्ट्रीट है दो नंबर आ गया अबे गो दी गो स्पीड तो हम लोग हार के अब वापस जा रहे हैं घर। बहुत हार्ड गेम था, मतलब गेसेस लगाओ और उसमें से कोई एक निकलेगा, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और अभी हम लोग गए सेकंड फ्लोर पे और वहाँ से ये मॉल ऐसा लगता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये मॉल। और अभी हम लोग गए हाउस ऑफ कैंडी में एंड मैंने इनका पेज इंस्टाग्राम पे भी देखा था एक बार, और काफ़ी अफोर्डेबल कैंडीज है यहाँ पे। सो फाइनली अब घर वापस जाएंगे हम लोग, और अभी तो कम ही सामान लिए हैं, जैसे ही लॉकडाउन या फिर सारी चीज़ें वापस रीस्टॉक होंगी तो हम दोबारा से शॉपिंग करवाएंगे उसे। लेकिन अभी तो हम उसका वो डे इन्हीं क्लोथ्स के साथ बनवाएंगे, इतने बेकार भी नहीं है, काफ़ी सही है। और कैंडीज भी हमने सारी मिक्स करवा के ली थी। और हमने सॉरबेल्स भी ली थी, ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। सो गाइज़ अभी मैं वापस घर पे आ गई हूँ और हम लोग गए थे मॉल, वहाँ पे हम लोगों ने देखा सामान जो था वो बहुत ही कम क्वांटिटी में था, बहुत ही कम वहाँ पे चीज़ें दिख रही थी देखने के लिए। और जो स्टॉक था उन्होंने रीस्टॉक नहीं किया था, क्योंकि ड्यू टू कोविड वहाँ पे जो सारे स्टॉक है वो दोबारा से आए नहीं है, नया स्टॉक नहीं आया वहाँ पे, तो सारा पुराना ही चीज़ था देखने के लिए। स्टिल हम लोगों ने ट्राई किया है कि कुछ शॉपिंग कर लें, तो हम एक दो चीज़ ही लेके आए हैं भाई के लिए, बाद में देखेंगे जब रीस्टॉक होगा और सारा नया सामान आएगा तब हम लोग लेंगे। अभी तो हम लोग लेके आए थे बाहर से स्नैक्स, तो वो खाएंगे फिर उसके बाद मैं शुरू कर दूंगी अपनी एडिटिंग। स्नैक्स में हम लोग लेके आए हैं स्प्रिंग रोल, चिली पोटैटो और चाउमीन।